एक्चुअली सर ये डेट के का दोबारा से बताएंगे सर। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लिया है, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ डेटा वैलिडेशन में क्या किया मैंने। डेटा वैलिडेशन में जाके मैंने यहाँ पे लिस्ट टाइप कर दी, ठीक है जी। यहाँ से लिस्ट चूज करके ये टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो ये मेरे पास लिस्ट आ गई। इसी तरह से मैंने ईयर का कर लिया, ठीक है जी। देन यहाँ ये फर्स्ट डेट लेने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेट का फॉर्मूला लगाया जिसमें मैंने क्या किया, ये मांग रहा है मेरे से ईयर मंथ और दिन। तो ईयर मैंने यहाँ से चूज कर लिया, मंथ मैंने यहाँ से चूज किया और डे मैंने खुद दे दिया वन, ठीक है जी। तो इससे हुआ क्या, ये जैसे डेट आ रही है, इसमें सर क्या हम कंटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं डेट के लाने के लिए? किसका, जैसे कि हम 1 सितंबर अभी आपने चेंज कर रहे हैं तो अक्टूबर आ गया, 1 अक्टूबर 2014 आ गया, हाँ इसमें हम कंटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंटेंट मतलब जैसे कि डेट लिखा है हमने अभी यहाँ पर, डेट का फॉर्मूला लगाया है B3 है कॉमा A3 और फिर कॉमा दे के बंद दिया है ब्रैकेट के अंदर, इसमें हम कंटेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, इजिकल टू कंटेन, हाँ कंटेन मतलब कंटेन का कहाँ फॉर्मूला होता, किस चीज का, क्या बोल रहे हैं, कंटेन के नहीं जोड़ने के लिए कंकेटिनेट। डेट को मंथ को देखिए सॉरी कंकेटिनेट कंटेनेंट का। कंकेटिनेट का जो फॉर्मूला होता है, आप एंड साइन की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी एंड कंकेटिनेट, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। हाँ कंकेटिनेट। तो एक्चुअली कंकेटिनेट जो होता है खाली टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक है। अगर डेट टेक्स्ट को का फिर हम देखिए, डेट का एक डिफरेंट इंजन है, डेट को जोड़ के क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि जब आप इसको जनरल फॉर्मेट में करते हैं तो ये कुछ एक नंबर देता है, अगर आप इनको जोड़ देंगे तो नंबर कुछ और बन जाएगा ना, ठीक है जी। करंट डेट का आप देखेंगे, मैं यहाँ डेट डाला, जब मैंने इसे जनरल फॉर्मेट में किया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 41,858, तो जोड़ के किसी भी हाल में नहीं बनाई जा सकती ना। कंकेटिनेट करेंगे तो जैसे मैं ईयर करेंगे और ये करेंगे तो इसका इससे ये वैल्यू कभी नहीं बनेगी, किसी भी हाल में नहीं बनेगी। सर 1 मिनट, मैं जो बोलता हूँ सर सर एक्चुअली हाँ सर हाँ मैं बोलता हूँ वो सर एक बार अप्लाई करेंगे, हाँ बताओ। इक्वल टू इजकल टू वन, इनवर्टर कॉमा में वन नहीं इनवर्ट वन डैश वन के साथ डैश हाँ इनवर्टर कॉमा फिर इनवर्टर कॉमा हाँ एंड एंड के बाद हम ले लेंगे सर मंथ, हमें क्या चाहिए मंथ मंथ ले लेंगे मंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो मंथ गई, के बाद फिर मैं समझ गया आप क्या करना चाह रहे हैं। एंड ठीक है जी, अब ये चाह रहे हैं, ठीक है जी। पर ये डेट फॉर्मेट में अगर देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं इसमें 10 जोड़ सकता हूँ ऊपर वाली डेट में, ठीक है जी। 10 जोड़ के 11 जनवरी आ गया, बट अगर मैं सेम इसमें जोड़ना चाहूँ तो क्या ये चलेगा, देखते हैं। चल गया यार, हाँ ऐसे भी हो सकता है, बढ़िया चीज है, हो सकता कंकेटिनेट है ना में, सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और बस इसमें सर बट अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आए और तब इसमें हम इस तब आप इसको हम टैक्स में अब अभी हमने टैक्स में लिया है बट तो टैक्स को हम -0 करके उसको अंक में ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज हो रहा है यहाँ पे मैं 10 जोड़ रहा हूँ इसके साथ, तो जुड़ तो रहा है, जी बट इसके साथ क्या ये डेट की तरह ट्रीट कर रहा है अपने आप को, ये देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ DDD, डेट की तरह कर रहा है, चलिए भी ठीक है। वहाँ बस इसमें एक लिमिटेशन होगी कि पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से अपना वो नहीं दिखाएगा, ये जनरल फॉर्मेट में ये दिखाएगा नहीं। पेस्ट हाँ जनरल फॉर्मेट में
दिख, हाँ वो डेट की वैल्यू नहीं दिखाएगा, बाकी तो सारा फंक्शन कर रहा है फिलहाल। अगर हम इस बट ये रिस्की फॉर्मूला है फिर भी। कभी कभार क्या होता है, एक्स को हम अगर, एक्सेल का जो डायनेमिक इंजन होता है ना, वो ऑटोमेटिक जज करता है। तो अगर उसने जी जज कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया ओके ठीक तो हमें सेफर साइड लेके चलना होता है ना। सेफ साइड ये है कि डेट का फॉर्मेट यूज करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं, पर उसके साथ हो सकती है आपको हाँ प्रॉब्लम। सर 1 मिनट। हाँ अच्छा जी ओके सर, एक एक चीज और, हाँ जो हाँ आपने वन लिया है, ये वन डे के लिए लिया है, जो आपने बी हाँ थ्री डे के कॉमा लिए ए थ्री कॉमा वन ये लिया, देखिए ना, इसमें ईयर मंथ डे, तो डे मंथ एंड डे, डे के ओके लिए ठीक है जी। फिर इसको कस्टम फॉर्मेट के जरिए यहाँ पे डीडी, ठीक है, डबल डिजिट में डेट। मैंने क्या किया, हर एक को फिर अब जी इस डेट में मैंने प्लस कर दिया और यहां तक ड्रैग कर लिया। अब देखेंगे जब हम फरवरी करेंगे तो फरवरी बदल रहा है, मार्च करेंगे मार्च बदल रहा है, मार्च तक आ रहा है। बट एक चीज देख रहे हैं हम, जब हम फरवरी करते हैं 28 तक दिन आ रहे हैं, बाकी उसके आगे एक ये सब मार्च की डेट में चले जा रहे हैं, ठीक है जी। जी तो अब इसका क्या इलाज है, इसको क्या करते हैं, अब हमें चाहिए कुछ इस फॉर्मूले में ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है इफ फॉर्मेली, इफ फॉर्मूले के थ्रू, ताकि ये 28 से आगे बढ़े ही ना। यहाँ करेंगे मिनिमम वैल्यू 28 हो सकती है, तो हमने इफ फॉर्मूला लगाया। उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या करता है, एंड ऑफ मंथ के लिए कोई भी डेट दे देंगे, जीरो दे देंगे, ठीक है जी। वो क्या करेगा, हमें महीने की जो है लास्ट वैल्यू जो है वो आपको दिखाएगा, ठीक है जी। अगर मैं यहां से मार्च करता हूँ, कोई भी महीना चूज करता हूँ, तो मुझे लास्ट डेट दिखाता है उसकी। ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, ठीक है जी। यहाँ जीरो देना जरूरी है, पहला जो है हम डेट देते हैं, दूसरा देंगे जीरो। अगर आप वन देंगे तो इससे नेक्स्ट महीने की एंड ऑफ डेट दिखाएगा, एंड ऑफ मंथ दिखाएगा, ठीक है जी। तो ऑलवेज यहाँ पे जीरो देते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ 28 के बाद, कि इफ अगर ये जो है ग्रेटर देन ईओ मंथ, इसका रेफरेंस ले लेंगे और जीरो, इसको मैं फुल्ली फिक्स कर दूंगा पहले। जीरो देन क्या करे, अगर बड़ा है तो यहां ब्लैंक दे दे, अदरवाइज क्या करे, यही कैलकुलेशन कैरी करे, ठीक है जी। आ गया, अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही डेट मिल रही है लास्ट, वो आगे नहीं जा रहा। आगे मैं एक बार फरवरी में जाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे पहली कैलकुलेशन तो सही बैठ गई, क्योंकि हो क्या रहा है इसमें, ये जो है पहले इसमें प्लस कर रहा है और फिर एंड ऑफ मंथ में देखा बड़ा है कि नहीं, और अगर बड़ा है तो इसने ब्लैंक दे दिया, यहाँ तक ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, A5 में +1 कर रहा है, तो जब वहां कोई वैल्यू नहीं है तो +1 किस में करेगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये अगली वाली जो है वो एरर दे रही है फील्ड्स, ठीक है जी। तो उस केस में क्या यूज करना है, हमने कल मैंने बताया था परसों, इफ एरर का फॉर्मूला। हाँ, तो मैंने इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर देना है यहाँ पे, कि अगर कोई एरर आती है, एरर आती है तो वैल्यू इफ एरर में मैं ब्लैंक दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको ड्रैग कर देता हूँ, हाँ जी। तो ये मेरा पूरा पूरी तरह से कैलेंडर बन गया है, ठीक है जी। ज्यादा मंथ हो कम मंथ हो कैसे भी हो, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो
यहाँ बॉर्डर दे देता हूँ मैं, यहाँ भी बॉर्डर दे देता हूँ। लेकिन क्या करता हूँ, नाम वाम यहीं से उठा लेता हूँ, नाम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देन मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए जैसे जिस तरह से मैंने डेट यहाँ अप्लाई की है, इसी तरह से वही टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अटेंडेंस फॉर दी मंथ ऑफ, यहाँ कंकेटिनेट कर देंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट में क्या करेंगे, इस डेट को ले लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट MMM वाई वाई। ये किस लिए कर रहे हैं सर हम, ये अटेंडेंस और मंथ इसको जोड़? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ चेंज करेंगे वो भी चेंज होगा। ओके, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वो। है ठीक, देन अब स्टार्ट करते हैं। अब जरा सी बैठाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मेरा टास्क है कि सैटरडे संडे को येलो करना है, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे मैं यूज करूँगा फॉर्मूले सारे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा कि क्या ये इक्वल टू है सैटरडे, ठीक है जी। अब मेरे पास चॉइस है सैटरडे और संडे दोनों को करना है, मैं क्या करता हूँ एक और का फॉर्मूला लगा देता हूँ क्योंकि चॉइस है, या फिर डी फोर इक्वल टू संडे। तो दोनों में से कोई भी ट्रू हो, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जी फॉर्मूला मैं लगा दूंगा यहाँ। बट जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा, मतलब फॉर्मूले को फॉर्मूला फॉर्मेट प्रिंटर से जब पेस्ट करता हूँ तो यहाँ से रेफरेंस बदलने लगते हैं। तो मुझे कुछ रेफरेंस इस तरह से देने होते हैं ताकि ड्रैग, क्योंकि इन पे भी ड्रैगिंग का ऑप्शन होता है बेशक ही फॉर्मेट प्रिंटर से करूँ। तो जो मैं है इसमें जो ब्लॉक करूंगा वो मैं करूँगा रो को, ना कि कॉलम को। तो रो को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ खाली, ठीक है जी। फॉर्मूला कहाँ से लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ से, फॉर मैं नो, यहाँ से मैंने फॉर्मूला कॉपी कर लिया पूरा, इधर रख दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट में गया, फिल में गया, येलो कलर चूज किया, ओके किया, ओके किया, देन फॉर्मेट प्रिंटर से लेकर कर दिया एंटर। इसको मुझे बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जब देखेंगे आप सैटरडे संडे, जैसे ही मंथ बदलेगा वैसे वैसे ही अपनी पोजीशन बदलेगा, ठीक है जी। दिन बात रही सरकारी छुट्टी की, सरकारी छुट्टी में ये मुझे, कंडीशन सर हम सॉरी हाँ जी एक्सक्यूज सर, हाँ जी हाँ जी बोलिए। ये जो कंडीशन हमने अभी बाहर लगाई है, ये कंडीशन हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी जाके लगा सकते हैं ना? ये हाँ वो पर ऐसा है ना, वहां जाके लगाओगे ना तो एक चीज होती है। हेलो सर हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही जी, आपको? ओके बताए जी, एक हाँ सर अब सेकेंड, आ रही है भाई। एक मुझे लगता है ना वॉइस मेरी डिले आ रही है आपके पास, कुछ नेट प्रॉब्लम है शायद। जी सर, मेरे पास कुछ रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो नेट लग रहा है स्लो चल रहा है, एक सेकेंड। और मेरा फोन है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जाता।
अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट असाइनमेंट, इसके अंदर मुझे हॉलीडेज लगाने, तो हॉलीडे एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन बेशक मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो खाली डेट से मतलब है, तो मैं इसमें ये कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दी, और यहाँ मैंने इसको चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। देन मैंने क्या किया, ये जो नेम बॉक्स है, और देखिए एक चीज होती है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक रेफरेंस हो गया A2 से A20 तक, तो मैं चाहता हूँ ये रेफरेंस ना यूज करके कोई नाम यूज करूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई नाम दे दिया मैंने, HL करके दे दिया, मीन्स हॉलीडे लिस्ट, तो इक्वल टू अगर मैं HL करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेसिबल है पूरा, येलो बॉर्डर हो गया, तो मतलब HL के नाम से लिस्ट रजिस्टर हो गई। तो मैंने क्या करना है कि हॉलीडे लिस्ट चेक करनी है, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा अब हॉलीडे को फाइंड कराने के लिए, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा कि इन डेट में से कोई वो डेट तो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करना है, मैंने काउंट इफ यूज करूंगा, काउंट इफ रेंज में दे दूंगा HL, और जो क्राइटेरिया दे दूंगा ये डेट वाला दे दूंगा, कि मैंने कहा चेक कर कि ये जो डेट है वो इस लिस्ट में है कि नहीं, है तो कितनी बार है, ठीक है जी। उसने बताया 0 बार है, अब मुझे इसे मैं 0 बार या उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो बात कर, तो ट्रू फॉल्स में एंटर आंसर दे दिया इसने, लॉजिकल कंडीशन बना दिया मैंने इसे, तो ट्रू फॉल्स में जब इसने आंसर दे दिया मैंने कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया आई, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल यूज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला डाल दिया इसके अंदर, फॉर्मेट में ये ऑरेंज सेलेक्ट किया, ओके ओके डन, फॉर्मेट प्रिंटर से ये कर दिया मैंने, इसको वापस मुझे बार बार करना पड़ रहा है DD, ठीक है। दन देखते हैं कि छुट्टियां ली कि नहीं ली इसने, ले ली, पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो सैटरडे है ये तो पहले ही छुट्टी है, अब मान लीजिए हमारी कोई सरकारी छुट्टी पड़ गई तो इसको ऑरेंज दिखाने की जरूरत नहीं है, येलो ही दिखा है, ठीक है जी। तो कहाँ से सेटिंग होगी, ये मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये ऑरेंज वाला रूल जो है ये पहले लगा हुआ है, ठीक है जी। इसको क्या करता हूँ मैं, येलो वाले को ऊपर कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, बस इतना करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी छुट्टियाँ आ गई सारी जो भी मैंने लगानी थी। देन एक चीज बची कि टुडे, आज की डेट आए तो उसको अलग ढंग से हाईलाइट कर, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या ये इक्वल टू टुडे, बस इतना चेक करना है, 5 को हमेशा लॉक करके रखना है, ठीक है जी। यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया, इधर से गए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल यूज फॉर्मूला में ये डाल दिया, फॉर्मेट मैंने ब्लू कर दिया, मैं कहा ब्लू दिखाएगा, और खाली कलर ही नहीं, हम बॉर्डर भी चूज कर सकते हैं या फॉन्ट भी चूज, फॉन्ट में मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, मैंने कहा बोल्ड रहेगा, बॉर्डर में क्या रहेगा, ये थोड़ा सा हल्के बॉर्डर रहेंगे, हल्के वाले बॉर्डर मैंने चूज कर लिए, ओके इस तरह से आ जाएगा, ओके डन, फॉर्मेट करके यहाँ ये कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं गया अगस्त चल रहा है, आज की डेट अलग से आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। मैंने एक और चीज देख रहे हैं हम लोग, जब 28 का है ना तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स भी फालतू में ही आ रहे हैं, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है,
जब ये इक्वल टू ब्लैंक है, ठीक है जी। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ मैं जाके, न्यू रूल यूज फॉर्मूला। मैंने कहा जब ए एफ डॉलर 5 इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है जी। जैसे ही ट्रू आए तो क्या फॉर्मेट सेट करना है, यहाँ पे जो बॉर्डर से ये हटा दूंगा मैं। ओके ओके, और इसको फॉर्मेट करके यहाँ बस क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया। जी तो अब आपके बॉर्डर भी ऑटोमेटिक हो गए, ठीक है जी, पूरा कैलेंडर में चला गया। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सेट कर दी है इसके ऊपर। अब चलिए वैल्यू सेट करते हैं। अब वैल्यू में को लगाने के लिए आपको फॉर्मूले चाहिए खाली, तो फॉर्मूला पहले स्टार्ट करते हैं डेट से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जहां से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। यहां से तो सबसे पहला कंडीशन लगेगी कि क्या ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है जी। ग्रेटर देन इसमें हमें क्या लॉक करना है, इसमें हमें लॉक करना है कॉलम, और यहां लॉक करना है रो। अगर C6 इज ग्रेटर देन D5, देन क्या क्या करना चाहिए इसे। C6 इज ग्रेटर देन, नो, C6 ये अगर बड़ा है इससे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ P, अदरवाइज क्या करें, O कर दे या कुछ कर दे ऐसे, साइन उल्टा लग गया क्या, नो नो, अदरवाइज ब्लैंक करना है। तो आप देख रहे हैं अटेंडेंस वहां से स्टार्ट हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू अटेंडेंस। अब मेरी 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही, ठीक है जी। अटेंडेंस की स्टार्टिंग सही हो गई कि कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। देन जहां मैंने ब्लैंक दिया है वहां पे मैं एक और इफ कंडीशन दे देता हूं कि इफ जो है ये ग्रेटर देन टुडे है, अगर ग्रेटर देन टुडे है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज पी कर दे। इसको कर देते हैं इसके अंदर, जहां हमने पी ही दे रखा है, क्योंकि ट्रू होने पे ही हम ये कंडीशन चलाएंगे ना, बाकी इधर ब्लैंक कर देते हैं। देखते हैं तो टुडे पे देख लेते हैं कि रुक रही है अटेंडेंस, नहीं रुक रही तो रुक रही है यहाँ पे आके, ठीक है जी, यहाँ पे आगे नहीं जा रही है।
मार्च में जाके देखते हैं कि स्टार्टिंग सही हो रही है। मार्च में, 5 मार्च से ठीक स्टार्टिंग हो। तो अब एक क्वेरी तो सॉल्व हो गई, अब दूसरी है हमारी सैटरडे संडे वाली। अगर वहाँ पे येलो है तो क्या कर दे वहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर सैटरडे संडे है तो क्या करना चाहिए, वीकली ऑफ डाल दे। तो वीकली ऑफ डालेंगे कहाँ से डालेंगे, जहाँ हम पी डाल रहे हैं यहीं बस कंडीशन चलाते चलेंगे। इफ यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, अगर ये और के अंदर, क्या ये इक्वल टू सैटरडे है या फिर ये इक्वल टू संडे है। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स में देगा चॉइस में, वही सेम कंडीशन जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाई थी। क्या देंगे हम इधर, अगर है तो वीकली ऑफ, अदरवाइज पी। कहीं हो गया पंगा इसमें, लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, वैल्यू ट्रू ये हो गया। ठीक है इसी को चेक करते हैं, लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, वैल्यू ट्री हो गया, वैल्यू फॉल्स ये हो गया। इसी को चेक करते हैं, लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, एक ब्रैकेट कोई फालतू आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हम देख रहे हैं इसमें वीकली ऑफ आ गया अपने आप। ठीक है जी, देन इसी तरह से हमने हॉलीडे वाला डालना है, तो जहां पी डाला है वहीं फिर से डालेंगे। तो हमने कैसे किया था, यहाँ पे मैंने लॉक नहीं किया इसलिए पहली पहली में ही वीकली ऑफ दिखा रहा था। यहाँ डॉलर में मुझे रो लॉक करना जरूरी है, तभी ये मेरे को फुल सब में दिखाएगा। अब ठीक है, देन मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है कंडीशन। इफ काउंट, इफ एचएल और ये ग्रेटर देन 0 है, देन क्या कर दे, एच कर दे, अदरवाइज पी कर दे। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग कर दिया, जहां जहां एच आ रहा है, हॉलीडे है वहां वहां एच डाल दिया। ठीक है जी, इसमें एक ही काम बचा, लीव का। लीव कैसे गेट करेगा, अब लीव के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। यहाँ जैसे मैंने यहाँ तो हॉलीडे लिस्ट डाल दी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीव मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेम और डेट ऑफ लीव, बस इतना ही। वैसे एम्प्लॉय कोड भी है इधर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोड। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ।
और डेटा वैलिडेशन में देखिए, अगर मुझे लिस्ट दूसरे पेज से देनी है, मैं लिस्ट चाहूँ कि मैं जाके सोर्स वहाँ से चूज कर लाऊँ, तो वो काम नहीं करेगा, दूसरी शीट पे जाता नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नेम्ड रेंज हमारा काम आता है। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, इसका नेम क्या कर दिया मैंने, ई कोड कर दिया, ठीक है जी, ई कोड। तो अगर मैं डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में इक्वल टू ई कोड दे देता हूँ, तो अपने आप वो सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। दूसरा लगा देता हूँ यहाँ पे वी लुकअप, यहाँ से ई कोड गेट करेगा और उसका नाम इसी में से गेट करके दे देगा, ठीक है जी, 2 एंड 0। ये हैश एन ए ना दिखाए इसके लिए मैं इसमें लगा देता हूँ इफ एरर, अगर कोई एरर आती है इसमें तो, ठीक है जी। ये फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक जहाँ तक करना है, और इसमें कॉपी करता हूँ, ये वैलिडेशन भी मुझे नीचे तक लगानी है, तो सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन पेस्ट कर दी। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरा नेम आ जाता है एम्प्लॉय कोड, ठीक है जी। देन मुझे खाली डेट डालनी है इसमें। एक जो हेल्पर कॉलम है जिसको मैं हाइड करके रखूंगा, ये मेरा क्या करेगा, अब कौन सी डेट में छुट्टी है कैसे पता पड़ेगा, किस बंदे ने कौन सी डेट में छुट्टी ली है। देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं ये ई कोड को किसी डेट के साथ कंबाइंड कर दूं, जिस दिन उसने छुट्टी ली है। मुझे क्या बनाना है, एक यूनिक रेफरेंस बनाना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई कोड चूज किया और ये किया, तो डेट का कुछ नंबर होता है जो भी है, वो एक कोड जनरेट कर देगा, तो मेरी छुट्टी का कोड हो गया। अब ऐसा कोड मुझे तभी मिलेगा जब मैं इन दोनों को यहाँ पे कंबाइंड कर दूंगा, ठीक है जी, किसी फॉर्मूले के अंदर या इसके अंदर काउंट इफ में, मान लीजिए मैंने ये लगा दिया या वी लुकअप लगा दिया, तो बेसिकली मैं इस लिस्ट को फाइंड कराऊंगा ये चीज, और इसको हाइड करके रख लग दूंगा बेशक से। इसको भी मैंने इस फॉर्मूले को नीचे तक ले लिया, ठीक है जी, तो ये कोड जनरेट करता जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये कोड को पता लगाना है, ये जहां जहां भी है वहां एल लिखवाना है। तो इसको भी मैं कोई नाम दे सकता हूँ, ठीक है जी, या फिर पूरे को इस तरह से सिलेक्ट करके इसका नाम दे देता हूँ लीव, ठीक है जी, ये लीव लिस्ट बन गई पूरी पूरी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे चेक कराना हो तो मैं क्या कैसे कैसे करूंगा, काउंट इफ रेंज में मैंने ले लिया लीव, और क्या क्राइटेरिया है, ये और कोई डेट से 5 अगस्त थी ना, तो यहाँ तो मार्च है अभी, पर फिलहाल ये रख दे, तो अभी यहाँ 0 दिखा रहा है, जैसे ही अगस्त होगी यहाँ 1 दिखा रहा है कि इस दिन लीव है, ठीक है जी। तो मुझे पता पड़ जाएगा जैसे ही बना आएगा कि यही डेट है, यही फार्मूला मैं वहां लगा दूंगा। इसमें मुझे क्या फिक्स करना होगा, इसमें 6 को फिक्स करना होगा, नहीं इसमें ए को फिक्स करना होगा, कॉलम फिक्स करना है क्योंकि ड्रैग करूंगा तो फार्मूले को, देन 5 यहाँ से फिक्स करना है, ठीक है जी। ये फार्मूले को पेस्ट मारता हूँ और ये ट्रू फॉल्स में आता है तो ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ, सीधा सीधा मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, इसको कॉपी कर लूंगा मैं और यहाँ चला जाऊंगा पहले डेटा में अपने, और जहां पी है वहां एक और इफ की कंडीशन लगा दूंगा, इफ
ये देन क्या करे, लीव कर दे, अदरवाइज पी कर दे। ठीक है जी, लीव में एक एक यहाँ क्यों लीव आ रहा है? एक कौन सा है? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को कुछ है क्या? नहीं है यहाँ तो, बटा क्यों रहा है यहाँ पे? एक तो इसको फॉर्मूला में एवेल्युएट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। C6 सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ से हमें करता हुआ जा रहा है। लास्ट के काउंट इफ वाले में लीव में A6 और H5 41856, H5 41856 0001 41856 इसे ग्रेटर देन वन मिल गया। ये कैसे मिल गया? अच्छा, लीव में तो ऐसा लगाए, ये लगाया है मैंने 41856, तो 5 अगस्त का है। ओके, मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, यही गड़बड़ कर दी इधर। यहाँ मुझे जो देना है रेफरेंस, वो इसका नहीं, इसका देना है फर्स्ट वाले का। ठीक है जी, यहाँ पे A6 और D5 डन। ठीक है, ड्रैग किया तो L जो है सही जगह आ गया अपना, जिस जिस दिन मैंने 5 अगस्त 6 अगस्त की छुट्टी डाली थी उस दिन आ गया। ठीक है जी, अब क्या करता हूँ, मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, एल को भी कलर कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, न्यू रूल यूज फॉर्मूला। अगर जो है हमारा D6 इक्वल टू एल है, देन जो क्या करें, लीव है तो रेड में दिखा दे, बोल्ड बोल्ड में कर दे। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर, ये आ गया। ठीक है सर, तो ये आपका फुल सिस्टम बन गया सेम वैसा ही जैसा मैंने दिखाया। इसको सेव कर देता हूँ और इसको आपको भेज भी दूंगा। इसको कम से कम आप मतलब 2-3 बार बनाएं, आपके जो कमांड्स हैं वो अच्छी हो जाएंगे इस पर। ठीक है जी, ये लीव मैनेजमेंट में इसको हाइड करके रख सकते हैं। ठीक है जी, बस इसको चूज कीजिए और कोई भी छुट्टी दे दीजिए यहाँ से। यहाँ वैसे तो हार्ट टू डे में छुट्टी ले ली। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया आपका अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। आप कुछ पूछना पूछ सकते हैं सर। हाँ जी सर, नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पूछ रहा।